हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के सामने इस स्टूडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज विभाग में होते हैं उनकी वैकेंसी आई है और उसका नोटिफिकेशन किस तारीख को घोषित किया था, तो 2 नवंबर 2020 को, यानी आज ही के दिन दोस्तों जो है इसका नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है पद आवंटित किए गए हैं और कितने कितने पद आवंटित किए गए हैं और मैं कौन सी सब्जेक्ट में आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ पर्सनली। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों बॉटनी में है 33 पद, केमिस्ट्री में 40 पद, मैथ्स में 34 पद, फिजिक्स में 35 और जूलॉजी में 30, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार से जितनी भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, टोटल दोस्तों आप लोगों के कितनी सब्जेक्ट्स के लिए आया है, तो 31 लास्ट भी सब्जेक्ट है पंजाबी सब्जेक्ट, इन 31 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट है दोस्तों 918, कितनी 918 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के। ठीक है, इनकी योग्यता क्या है, इनका एग्जाम कब है, सब डिटेल बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों कितनी वैकेंसी आपके कितनी सब्जेक्ट के लिए, 31 सब्जेक्ट के लिए है। ये नोटिफिकेशन जिसको चाहिए हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों की जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें हेल्प करूंगा और वो उसके लिए 34 पद आए हैं जिसमें जनरल के 11 पद है। 34 वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज विभाग में, उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ मैथ्स सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों के आरक्षण किस प्रकार से रहेगा, कि अदर स्टूडेंट जो बाहर के होंगे उनके लिए क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, ये सब चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेन एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द मास्टर डिग्री लेवल इज द इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडिटेड फॉर एन यूनिवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है, मैं सब समझाऊंगा, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के हो वो समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसने कहा है दोस्तों कि आप जो है एक अच्छे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपके 10th 12th और जो ग्रेजुएशन होती है ना, गुड एकेडमिक का मतलब ये होता है कि आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन, क्योंकि इसको स्पष्ट इन्होंने देखो वेरीफाई किया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा किसके अनुसार, तो जो राजस्थान सरकार का पत्र आया था 21 फरवरी 2014 उसके अनुसार, उस कब होता है जिसमें कि आपके एक तो मास्टर डिग्री इंक्लूड होती है जो कि 50% के साथ होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और सेकेंडरी और हाई स्कूल जो होती है हायर सेकेंडरी यानी 10th और 12th उसमें जो है आप लोगों के कम से कम 55% होने चाहिए। यानी कहने का मतलब केवल और केवल इतना है कि सभी में आप 55% से अबव है 10th 12th और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में, तब आप एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं अपना। उसी के साथ में आप लोगों का नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो UGC के द्वारा होता है, या फिर इसी प्रकार से एक सिमिलर टेस्ट होता है दोस्तों जो UGC के द्वारा ही होता है और वो राजस्थान स्तर पर होता है, मतलब आपके स्टेट लेवल पर होता है, जिसे कहा जाता है स्लेट या फिर सेट, SET या फिर SLET। ठीक है, स्लेट या सेट, ये भी आप लोगों का क्वालिफाई हो सकता है। फिर बात आती है कि कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री, जिनके पास में PhD डिग्री है वो भी किससे, उन यूनिवर्सिटी से जो आपका जो है दोस्तों यूनिवर्सिटी आपके राजस्थान के रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग राजस्थान में वैलिड हो, यानी कि जो फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित की जाती है उसमें से नहीं, जो वैलिड यूनिवर्सिटीज है वहां से आपने कर रखी हो, मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका PhD लेवल का वो। ठीक है, तो उनको दोस्तों जो ये देखो एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट स्लेट सेट फॉर रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके कहने का मतलब है कि जिन विद्यार्थियों ने, जिस भी स्टूडेंट ने, अगर आप लोगों ने क्या कर रखा है दोस्तों मास्टर डिग्री के साथ में PhD कर रखी है, क्या कर रखी है, PhD कर रखी है, आपको एक अच्छी डिग्री दी, PhD की डिग्री भी दे रखी है, तो आपको जो ये नेट स्लेट वेट जो है ये आप लोगों के पास में नहीं होगा, तो ये रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं है, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये और ये उनके लिए भी नहीं रिक्वायर्ड होगा जो मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच दिस इज नॉट कंडक्टेड। ऐसा भी कहा गया है कि नेट स्लेट और सेट आप लोगों ने उस सब्जेक्ट में दिया हो जिस सब्जेक्ट में नेट या स्लेट या सेट का पेपर होता ही नहीं हो, तो भी आपको उस पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये कहा गया है। ठीक है,
तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए आपका, 10, 12, 11, 10, 12 और ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन 55% चाहिए आपके पास में, नेट या सेलेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप वहां से बच सकते हैं नेट सेलेट सेट से। और अगर आपके पास में अगर जो है आपने उस सब्जेक्ट से ऐसी सब्जेक्ट से आपने जो है क्या कर रखा है दोस्तों, मतलब मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी या आपका पीएचडी कर रखी है जिस सब्जेक्ट में नेट या सेलेट का पेपर नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को भी वहां पर जरूरत नहीं होगी उसकी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए कि आप जो विद्यार्थी, अब जो ये सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर जो क्रिएट होता है क्वालिफिकेशन को लेकर के कि सर मैं रनिंग में हूं, तो भाई देख लो स्पष्ट लिखा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इसका कहने का मतलब केवल और केवल इतना है कि आप अगर एमएससी के प्रीवियस ईयर में भी है तो भी आप वहां पर वैलिड है, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब आपका साक्षात्कार होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले आप लोगों को वहां पर आपकी डिग्री का जो है पेश करना होगा, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम देने की इजिबिलिटी है, आप एग्जाम दे सकते हो अगर आपके पास एमएससी की रनिंग भी है तो। अब बात आती है सर ये सब हम लग जाएंगे उसके बाद पेमेंट कितना मिलेगा, तो भाई आप लोगों को पता है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें तो एक फिक्स वेतन होता है वो मिलेगा, लेकिन आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 6000 ग्रेड पे रहेगा, उसका पेमेंट होता है 15600 से स्टार्ट होकर के 39010। ये बेसिक पेमेंट है, ये बेसिक मिनिमम है, स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग बोले तो ये बेसिक है, इसमें और जुड़ता है डबल, लगभग ये मान के चलो कि स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत तगड़ी होती है, 6000 ग्रेड पे बहुत हाई होता है, ठीक है। इसी के साथ में आप 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष के होने चाहिए, 40 वर्ष से अधिक है तो आप पेपर नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा जो भी ओबीसी में आते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, जो सामान्य महिलाएं एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस है उनके लिए भी 5 वर्ष का रिजर्वेशन है, और अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी एसटी उन सभी के लिए आप लोगों के कौन सा 10 वर्ष आ जाएगा, और अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, विधवा या परित्यक्ता यानी कि आप लोगों के डिवोर्स है या विधवा है तब आप लोगों के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि आप लोगों के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन ये ठीक है। अब इसके साथ में दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ आगे, तो आप लोगों की क्या क्या हो गई दोस्तों, क्वालिफिकेशन हो गई, एज हो गई, पेमेंट हो गया है, अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर, यानी हमारा चयन होगा किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो चयन प्रक्रिया में क्या होगा दोस्तों, एक तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हो जाएगी यानी कि कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, इसी के साथ में आपका साक्षात्कार भी होगा, ठीक है। परीक्षा स्थान तिथि ये सब तो जो है बाद में समय पर आ ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सबसे पहली बात ये आप लोगों को बता दी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसका जो पाठ्यक्रम है यानी इसका सिलेबस जो है हर स्टूडेंट पूछता रहेगा सिलेबस सिलेबस सिलेबस, तो सिलेबस जो है वो आप लोगों के बहुत ही इन्होंने कहा है कि हम अति शीघ्र ही आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन जो है सिलेबस लगभग चेंज नहीं होता, इसलिए जो प्रीवियस ईयर में 2014 में 2011 में 2017 में जो वैकेंसीज आई थी उनमें जो सिलेबस रहा था वही सिलेबस रहेगा, तो जिसको भी प्रीवियस सिलेबस चाहिए हो वो मेरे से ले सकता है, मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा मैथ्स का ओनली, बाकी सब्जेक्ट का आप जाने आप अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। आवेदन की तिथि, आपको फॉर्म कब भरना है, 9 नवंबर 2020 से लेकर के आपको 8 दिसंबर 2020 के बीच में भरना है, 1 महीने का समय दिया गया है आप लोगों को। कैसे फॉर्म फिल करना है वो आप लोग जानते ही हैं, आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाते ही आरपीएससी की वेबसाइट में आप क्या करेंगे, एसएसओ लॉगिन करेंगे, एसएसओ लॉगिन करने पर रिक्वायरमेंट पोर्टल आ जाएगा, वहां ओटीआर आप वन टाइम ठीक है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, और हार्ड कॉपी अपने पास प्रिंट आउट करके रख लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के जो अगर किसी प्रकार का संशोधन वगैरह करवाते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर तो आपको 300 रुपये दे करके फिर आप संशोधन करवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क कितनी रखी गई है, तो परीक्षा शुल्क ओबीसी और जनरल के लिए जो रखी गई है वो 350 रुपये है, नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 250 रुपये रखी गई है, और जो अनुसूचित जाति जन एससी एसटी जिनकी भी 2.5 लाख से कम पेमेंट है वो सभी के लिए 150 रुपये है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अब बात आती है कि इसका जो स्कीम क्या रहेगी यानी कि एग्जाम की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसी सब्जेक्ट रहेगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात इसमें आती है कि रिटर्न एग्जाम की बात करें फिर हम इंटरव्यू की बात करें, तो रिटर्न एग्जाम में आपके 3 पेपर होते हैं,
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें दो पेपर आपके जो भी आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, जैसे कि मैं जो जिन स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करने वाला हूँ वो मैथ सब्जेक्ट रहेगी, तो मैथ्स जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट जो चॉइस करेंगे उनको और अदर सभी सब्जेक्ट स्टूडेंट को जिनकी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके 75-75 मार्क्स के दो पेपर होंगे, यानी 150 नंबर की आपकी सब्जेक्ट है, 150 नंबर आपके हाथ में होते हैं, आप अपनी मनपसंद से जो सब्जेक्ट लेंगे उसमें, ठीक है। फिर बात आती है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो जीके है वो आएगा कितने नंबर का दोस्तों, 50 नंबर का, ठीक है। तो टोटल पेपर होगा आपके 200 मार्क्स का, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपको दोनों जो आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे उनके लिए 3-3 घंटे मिलेंगे, लेकिन जो आपके जनरल स्टडीज राजस्थान की जो होगी उसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंटरव्यू सेल वी कैरी 24 मार्क्स, जो इंटरव्यू है आप लोगों का वो 24 मार्क्स का होगा, ओनली एंड ओनली 24 मार्क्स का। तो आप लोग समझ चुके होंगे टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 224 मार्क्स का हो जाएगा। 200 मार्क्स का रिटर्न पेपर है, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए 3 times ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बुलाया जाएगा, जैसा कि आपको पता है 926 ऐसी वैकेंसी, लेकिन हम मान लेते हैं 950 है, तो 950 का 3 गुना यानी अप्रोक्सीमेटली 2850 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, लगभग आप ये कह सकते हैं 2900 बच्चों का सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का सिलेबस, मैंने आप लोगों को बोल ही दिया, पीछे वाला मेरे पास अवेलेबल है तो वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। और इसी प्रकार से कोई अगर डाउट रह गया है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी चीजें आप लोग जो ये प्रमाण पत्र हमें कोई इसमें जो है जो भी मतलब ये जो होता है इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे को पूरा पढ़ना भी चाहिए अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो कि हाँ विशेष मुझे कोई अच्छी बातें पता चले तो, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को अगर किसी भी कॉलेज प्रोफेसर में, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो इसीलिए कहते हैं कि 10th 12th में भी पढ़ लिया करो और ग्रेजुएशन में भी पढ़ लिया करो, क्योंकि जब आप अगर पढ़ाई के ही फील्ड में रहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये है आपका, पहले आप 10th करिए, 10th से 12th जाइए, 12th से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री से PhD करिए, या फिर PhD की जगह आप नेट या स्लेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो स्टेप वन है आपका 10th, यानी कि 10th में ही अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, 55% वेटेज है, और आपको जहाँ तक बता दूँ दोस्तों, मुझे पता है जो आपकी इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे अगर होंगे तो आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो 55% यानी एवरेज स्टूडेंट तो आपका होना ही जरूरी है कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए। तो अब आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी सब्जेक्ट आपको आगे जाकर के अपने 10th के बाद में आपने जो भी सब्जेक्ट ली है उन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में और अच्छी डिमांड करें और ग्रेजुएशन में उसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लें, जो भी ग्रेजुएशन में उसके कॉन्सेप्ट रहते हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करें, फिर मास्टर डिग्री में जाने के बाद उस पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में कर रहे थे उस सब्जेक्ट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, उसके बेसिक्स को समझें, उसके छोटी छोटी बातें जो होती है उन्हें समझें, क्योंकि जब आप कॉलेज आप देखेंगे, मैं नेट का पेपर भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ मैथ्स में, ओनली मैं आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों मैथ्स के पेपर में, किसमें मैथ्स के पेपर में, मैं मैथ्स की क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवा सकता हूं, बाकी क्लासेस अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है अदर क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 10, 12 ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD या NET, नेट या स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आप PhD नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा आपका, और आप कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि एक हाईली पेइंग जॉब है इंडिया की, बहुत अच्छी पेमेंट होती है इसमें अंतर्गत दोस्तों, ISO के इक्विवेलेंट इसमें जो है पेमेंट रहती है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।